दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत पर कोहरे का कहर रहेगा जारी। गिरते तापमान ने बेघर लोगों की बढ़ाई परेशानी। शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं लोग। हिमाचल के कुल्लू में न्यूयॉर्क का जश्न मनाने पहुंच रहे सैलानी। ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। बर्फ की सफेद चादर में गुलमर्ग ढका। गुलमर्ग देखने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। गुलमर्ग से सटे द्रंग इलाके में भी पारा गिरा। वाटरफॉल और झील जमी। नए साल से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आज रात 9 बजे के बाद एग्जिट पर रोक, एंट्री रहेगी जारी। नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 रहेगी लागू। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने किया अनाउंस। उत्तर प्रदेश में नए साल की सुरक्षा को लेकर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। कहा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उपेंद्र अग्रवाल ने कहा बार और क्लब्स की जिम्मेदारी, क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठने की ना दें अनुमति, तय समय के बाद बंद करें म्यूजिक। चंडीगढ़ में नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। वाहनों की भी जांच जारी। नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी पूरी। एसपी कुल्लू ने कहा अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कुल्लू में फिर से बढ़ी पर्यटकों की संख्या। अलग अलग जिलों के यातायात विंग करेंगे मदद। हैदराबाद पुलिस की भी नए साल को लेकर तैयारी चुस्त। ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास की लोगों से अपील, बिना नशा किए हर एक व्यक्ति नए साल का जश्न मनाए। बिना नशा किए हुए एक व्यक्ति रखे अपने साथ ताकि सुरक्षित जा सकें घर। अयोध्या राम मंदिर पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा राम का नाम कर रही है छोटा। अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में कहा राम मंदिर कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, इस पर किसी की आपत्ति नहीं। एक पार्टी राम का नाम लेकर प्रचार करने में लगी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर तंज। कहा पीएम अयोध्या में जो कर रहे हैं वो विकास कम, लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा। पीएम मोदी और सीएम योगी को राशिद अल्वी ने नसीहत देते हुए कहा इस बात का रखें ध्यान, विकास एक जगह तक ना रह जाए सीमित। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण ना मिलने पर उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं, जब मन करेगा रामलला के दर्शन करूंगा। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर पर सियासत नहीं करने की अपील करते हुए कहा राम मंदिर बीजेपी सरकार नहीं बना रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज, बीजेपी के लिए बस यही कहना बाकी है हमारे उम्मीदवार श्री राम होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं वो पूरे विश्व के राम हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा धर्म का राजनीतिकरण ठीक नहीं। पीएम के अयोध्या दौरे पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा लोग नौकरी रोजगार ना मांगे इसलिए ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष भड़के। कहा जो राम का नहीं वो भारत का नहीं। अयोध्या में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पूरी दुनिया को 22 जनवरी का इंतजार है। कहा राम ज्योति जलाकर सभी से दिवाली मनाने की भी अपील की। देशवासियों से पीएम की अपील, 22 जनवरी के बाद सुविधा अनुसार अयोध्या जरूर आएं, बेवजह भीड़ करने से बचें। स्वच्छता को लेकर भी पीएम की अपील, मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। पीएम ने सरकार के कामों को गिनाया। कहा भगवान राम के साथ लोगों को भी मिल रहा है पक्का घर, बेहतर सड़क, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी अयोध्या। अयोध्या में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, पीएम का बयान। सीएम योगी ने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा नए भारत की नई अयोध्या का निर्माण हुआ, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के बच्चों से मिले सीएम योगी, सीएम ने बच्चों का हाल जाना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उम्मीद जताई और कहा आने वाले दिनों में अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी बनेगी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं, इससे बीजेपी को नहीं होगा फायदा। राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति फाइनल, श्याम वर्ण की होगी श्री राम की मूर्ति। अरुण योगी राज की बनाई मूर्ति फाइनल हुई, कर्नाटक की श्याम शिला से बनी है श्याम वर्ण की मूर्ति। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, 22 जनवरी को लोग दीप जलाएं, देश प्रकाशित होगा और नई ऊर्जा मिलेगी। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल लेकर 11 ट्रक अयोध्या के लिए रवाना, चावल का लगाया जाएगा भोग। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा रखी जा रही है 2047 की नींव। मीनाक्षी लेखी ने कहा भारत में इस वक्त दौड़ रही है विकास की लहर, पीएम ने हमें समझाया विकास और विरासत भी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अयोध्या नई दिल्ली वंदे भारत का किया स्वागत। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे वीरेंद्र सचदेवा।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली और अयोध्या के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 7 घंटे बचा, विकास की राह पर देश। रेल मंत्री से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मांग, मुंबई से अयोध्या के बीच चलाएं ट्रेन। पीएम मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होगा 108वां एपिसोड। पीएम मोदी मन की बात में फिट इंडिया पर चर्चा करेंगे। हेल्थ स्टार्टअप से जुड़े युवा शेयर करेंगे अपने अनुभव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में सुनेंगे मन की बात। पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज, अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। राजस्थान में सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री बनाए जाने पर विवाद, चुनाव जीतने से पहले ही नियुक्त किए गए मंत्री। सुरेंद्र पाल टीटी श्रीकर्णपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार, 5 जनवरी को होना है चुनाव। सुरेंद्र पाल टीटी ने चुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए कहा, श्रीकर्णपुर की जनता समझदार, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सुरेंद्र पाल टीटी ने राज्य मंत्री बनाए जाने पर कहा, मुझे मंत्री बनाकर सरकार ने सिख समाज को सम्मानित किया। सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस हमलावर। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, श्रीकर्णपुर के मतदाताओं को लुभाने की जा रही है कोशिश। गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही, बोले बीजेपी न संविधान को मानती है न चुनाव आयोग को मानती है। राजस्थान में 27 दिन बाद हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 22 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौर बनाए गए कैबिनेट मंत्री। बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। संजय सिंह गौतम, कुमार झाबर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले कि रौड़ी लाल मीणा, पेपो लीक को रोकना, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी प्राथमिकता। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, मेहनत के साथ जनता की सेवा करूंगा, ये मौका सबको नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। प्रहलाद पटेल बनाए गए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग सौंपा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विधायकों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना, मैंने सुनिश्चित अब ये करना है विधानसभा में मुद्दों को ठीक तरीके से उठाया जा सके। पूर्व सीएम शिवराज के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस की यात्रा के बाद हम कर्नाटक और तेलंगाना जीते। दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो संभावना थी उसके विपरीत गए चुनाव। आगामी लोकसभा चुनावों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 2024 का चुनाव संविधान की रक्षा के लिए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने नई संसद बनाई और सवालों से बचने के लिए सांसदों को निलंबित किया, ये नहीं चाहते कि संसद चले। अखिलेश यादव ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा, अगर 2024 में फिर बीजेपी सत्ता में आई तो ये लोग छीन लेंगे वोट देने का अधिकार। जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, बिहार की राजनीति में अब सीएम नीतीश का कोई भविष्य नहीं, बीजेपी लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतेगी। सीएम नीतीश को जेडीयू चीफ बनाए जाने पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, जेडीयू पर अब लगेगा ग्रहण। जेडीयू के पूर्व चीफ लल्लन सिंह ने किया खंडन, कहा विधायकों के साथ गुप्त बैठक की बात गलत, मेरी छवि धूमिल करने वाले पर एक्शन लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक, मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक। बैठक के बाद बोले उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सीटों का खाका कमेटी के सामने रखा है, अगली बैठक 4 तारीख को होगी। सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मिलकर फैसला लेंगे, कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, जल्द टूट जाएगा महाविकास अघाड़ी, लोगों का विश्वास बीजेपी पर है। महाराष्ट्र में 14 जनवरी को होगी बीजेपी शिवसेना और एनसीपी की संयुक्त रैली, चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा, प्याज किसानों को नहीं मिल रहे हैं उचित दाम। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा, पीएम को रिमोट से चलाने वाली महिला ने लोगों को शौचालय तक नहीं दिया कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाक टिकट जारी की, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल पूरे होने पर टिकट जारी की गई। सीएम माणिक साहा ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, चंद महल में अगरतला प्रसूति सोसाइटी का 37वां वार्षिक सम्मेलन था। 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वामी रामदेव ने सीएम धामी और मोहन यादव को भेजा न्योता।
हरिद्वार के कनखल में बना है पतंजलि का गुरुकुलम। स्वामी रामदेव ने घर घर जाकर लोगों को दिया है निमंत्रण। विनेश फोगाट ने पहले ही पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था, एक चिट्ठी भी साझा की थी। पीएमओ जाने के दौरान विनेश को सुरक्षा अधिकारियों के रोकने पर सड़क पर अवार्ड रखना पड़ा। केपटाउन टेस्ट के लिए टीम इंडिया कर रही तैयारी, कप्तान रोहित शर्मा ने नेट्स पर जमकर की बल्लेबाजी। रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंदों का सामना कर करीब 45 मिनट तक प्रैक्टिस करते नजर आए रोहित शर्मा। प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा ने मुकेश कुमार को गेंदबाजी के टिप्स भी दिए। रोहित ने ऑफ स्टंप के बाहर और एंगल से अंदर आती गेंदों का सामना किया। केपटाउन टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, बोलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर चोटिल हुए। केपटाउन टेस्ट से हो सकते हैं बाहर।